दीपावली की बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। इसके साथ कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, अभी पिछले 3 महीने पहले वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गए। हालांकि अब जिस तरीके से वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो ने इस्तीफा दिया है और एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए जिस तरीके से वहां पर कंपेनिंग शुरू हुई है, उसके लिए आवश्यक था कि दो जो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टोरी पार्टी का या जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको 100 उनके एमपीज जो है का सपोर्ट मिलना चाहिए, थ्रेशोल्ड होना चाहिए जो उनके कैंडिडेचर को वैलिड करेगा, वो जो है ऋषि सुनक ने कंप्लीट कर लिया। क्या है पूरा मैटर, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, क्योंकि इसके लिए जो बैलेट पेपर होगा, जो चुनाव होने जा रहा है वो 24 अक्टूबर को होगा, दीपावली के दिन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को पीछे का रिकैप करके देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि 100 MP का जो है एंडोर्समेंट जो है बहुत आवश्यक है। पार्लियामेंट्री जो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स वहां का जो कहलाता है ब्रिटिश संसद का, उसका लीडर बनने के लिए और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के लिए ऋषि सुनक की अगर बात की जाए तो पिछले 3 महीने पहले उन्होंने 120 MP का सपोर्ट हासिल किया था इस कैंडिडेचर के इलेक्शन के लिए। हालांकि वो बाद में जो है लिस्ट से जो है हार गए थे और लिस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर वहां बनने में सफल रही थी। अब ये चुनाव जो होने जा रहा है, हालांकि अभी ऋषि सुनक ने इस बात की कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए फाइट करेंगे, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने 100 MPs का जो थ्रेशहोल्ड था उसको अचीव कर लिया है। और साथ ही साथ जो ऋषि सुनक के फेवर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जा रही है वो ये जा रही है कि अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो उनको पाकिस्तान के एक साजिद वाजिद हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। और साजिद वाजिद ने यह बात कही है कि हम ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर का सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ वहां के जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी डोमिनिक रॉब ने भी जो है सपोर्ट किया है ऋषि सुनक का। और ये उनके कैंडिडेचर के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और ऐसी अब संभावना है कि वो निश्चित रूप से नए प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और चूंकि डोमिनिक रॉब का ये कहना था कि उनके पास प्लान है, अगर हम डोमिनिक ये साजिद वाजिद ने सपोर्ट किया है और साथ ही साथ डोमिनिक रॉब जो है उन्होंने ये कहा है कि जब ये ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली उनके पास प्लान है, योजनाएं हैं देश के लिए, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जिस तरीके का एक कैपेसिटी होनी चाहिए उसको रेस्टोर करने की उनके पास जो है कैपेसिटी है। साथ ही साथ जो इंस्टेबिलिटी चल रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिस तरीके से वहां पर पिछले कुछ समय से लगातार प्रधानमंत्री जब बोरिस जॉनसन थे उनका रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद से जो स्टेबिलिटी है और जिस तरीके से भी देखा है तो ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया है और अभी हाल ही में वो भारत से अपना एक स्थान पीछे छोड़ करके 6th जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी रह गया है, भारत ने उसका प्लेस जो है धारण कर लिया है और भारत जो है अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। तो वहां पर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चल रही है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए और जो वहां के वर्कर है और टोरी दल के वो सब उनको देख रहे हैं और इसलिए डोमिनिक रॉब ने भी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के उनके जो फ्रेंड है साजिद वाजिद उन्होंने सपोर्ट किया है और कुल मिलाकर के जो एक परसेप्शन उभर रहा है वो ये है कि डोमिनिक जो टोरी दल है कि हम अब बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं और हमें आगे जाना है और इसके लिए हमें काम करना है। फिर अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो सुनक और जो है और जॉनसन दोनों ने अभी तक किसी भी तरीके की बिड यानी इस ओपनली नहीं कहा है कि दे आर गोइंग टू फाइट फॉर दैट। हालांकि इस बात के लिए जो कैंडिडेचर के लिए सपोर्ट चाहिए मिनिमम वो उन्होंने अचीव कर लिया है, इस तरीके का उनके सपोर्टर्स का दावा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऋषि सुनक के मैटर में एक मैटर ये भी है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके बारे में ये माना जा रहा है कि इसका जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं जो है वो कंजर्वेटिव होने के साथ साथ रेशियल भी हो रहा है, क्योंकि टोरी दल में डिवाइड हो गई है और इस डिवाइड के चलते कुछ लोग जो है सुनक ऋषि का सपोर्ट कर रहे हैं जबकि दूसरे का ग्रुप जो है वो बोरिस जॉनसन का सपोर्ट कर रहा है। और उनका ये कहना है कि बोरिस जॉनसन जो है जिसके चलते ये जो पार्टी में डिवाइड आ रहा है ये कहीं ना कहीं रेशियल नेचर भी लिए हुए है, क्योंकि बोरिस जॉनसन जहां ब्रिटिश हैं वही ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है। और साथ ही साथ वहां के लोगों का यह कहना है कि अगर वो ऋषि जो है व्हाइट होते तो निश्चित रूप से वो लास्ट टाइम ही जब
मिनिस्टर्स बनी थी उसी टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन चूंकि वो उनके ब्राउन होने के चलते वो नहीं बन पाए। लोगों का ये भी एक दृष्टिकोण सामने उभर करके आया है और लोगों का ये मानना है कि टोरी दल में रेसिस्ट लोग हैं, ये नस्लीय जो भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और उन लोगों का इसमें सपोर्ट रहा। एक और प्लस पॉइंट जो ऋषि सुनक के फेवर में जा रहा है वो ये है कि जो उनका तीसरा लार्जेस्ट पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक जो कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया है और ये कहा है कि बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन के बर्लुस्कोनी है। बर्लुस्कोनी एक्चुअल में इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनको ऊपर भी सेम चार्जेस थे जिस तरीके से बोरिस पर आए हैं, तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा अचीवमेंट हमको दिख रहा है और ऐसी संभावना है कि 24 अक्टूबर को जब दीपावली होगी तो निश्चित रूप से ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए हमको आगे नजर आएंगे और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू सो मच।